नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंबेडकर क्लासेज में। आज हम आपको हरियाणा जीके का छोटा सा पार्ट और करवाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको राज्य के प्रमुख खेल स्टेडियम याद करवाएंगे ट्रिक के साथ। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर सबसे पहले एकलव्य स्टेडियम, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? एकलव्य, एक लक्ष्य और जिद, जिनको हम क्या पढ़ेंगे? जिद पढ़ेंगे। आज के टाइम की हर युवा की जो पढ़े लिखे हैं, 12th पास हैं, ठीक है, उसकी जिद क्या रह चुकी है? जॉब। क्या रह चुकी है? जॉब। ओनली क्या रह चुकी है? जॉब। एक लक्ष्य है जिद, आज के टाइम के युवा हैं उसका एक लक्ष्य है, युद्ध युद्ध क्या है? ओनली जॉब है। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे हो गया? जींद में। उसके बाद आ गया अर्जुन स्टेडियम, जींद, ठीक है, यह भी जींद में है। अब अर्जुन में क्या आ रहा है? जून आ रहा है, जून। और जून हरियाणा, जून जुलाई में, ऐसे ये भी जीके क्वेश्चन है, जून जुलाई में हरियाणा में क्या सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो ये भी जीके का, हरियाणा जीके क्वेश्चन है, पूछ सकती है, पूछा हुआ है पहले भी। तो जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो जिंदा रहना हरियाणा में जून में जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिंदा रहना जून में हरियाणा में जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अर्जुन स्टेडियम कहाँ पे हो गया? जींद में। उसके बाद आ गया सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, जो कि पलबल में है। सुभाष चंद्र जी बोल जो थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वो हमेशा, सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, तो वो हमेशा अपना पल पल, उसने उन्होंने क्या किया था? पल पल, अपना अपना पल पल किसमें गुजारा था? आजादी के लिए। किसमें? पल पल किस लिए गुजारा था? आजादी के लिए लड़ रहे थे वो, हमेशा पल पल उन्होंने आजादी के लिए लड़े थे वो। और सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को बापू कहा था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम फरीदाबाद, शाहपुरा पुरा कल कलायत में, शायद ऐसा कोई गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम जो कि फरीदाबाद में है। अब चंद्रशेखर में क्या आ रहा है? चंद्र आ रहा है। चंद्र मतलब चांद, और जो चांद होता है रात को हमें रोशनी देता है, तो वो हमें क्या रोशनी कैसे देता है? फ्री में देता है। जो चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम है फरीदाबाद में है, और चंद्रशेखर में क्या रहा है? चंद्र आ रहा है। चांद मतलब चंद्र मतलब चांद, चांद में रात को रोशनी देता है, वो किस में देता है? फ्री में देता है। कोई पैसे तो लेता हमसे, फ्री में देता है। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ड स्टेडियम, ठीक है। अब हरियाणा खेल, राज्य खेल हरियाणा ने बनाया, हरियाणा के सरकार ने बनाया होगा ना, जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया होगा खेल परिसर बिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे खेलना भी क्या होगा? फ्री होगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे खेल सकता है, क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाया गया है, सार्वजनिक है, कोई भी आके यहाँ पे खेल सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि कुछ और भी हैं, लेकिन वहाँ कुछ बंदे रखे होंगे, लेकिन ये हरियाणा राज्य बेल्ट परिसर जो, उसमें कोई भी आके खेल सकता है। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद, ठीक है। तो जो नाहर सिंह वल्लभगढ़ है ना, ठीक है, वहाँ पे 1857 में जो क्रांति हुई थी, नाहर सिंह ने वहाँ पे उनका जो नेतृत्व किया था वल्लभगढ़ का, ये भी साथ में याद रख लेना, ठीक है। और नाहर वन्य जीव अभयारण्य जो कि रेवाड़ी में है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद नहर को हम क्या पढ़ेंगे? नहर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नहर। और नहर जो कि नहर होती है, नहर में नहाना क्या होता है? फ्री होता है। उसमें पानी भरना, उसमें पाँव धोना, मुंह धोना, हाथ धोना, हमारा जो सब कुछ होता है वो फ्री होता है, ठीक है। नहर में नहाना फ्री होता है। ऐसे कर लेंगे, नहर को हम नहर पढ़ेंगे, नहर में नहाना फ्री होता है, ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक होती हैं, सरकारी होती हैं। उसके बाद आ गया वेलोड्रम स्टेडियम कुरुक्षेत्र, ठीक है। वेलोड्रम में क्या आ रहा है? ड्रम आ रहा है, ड्रम, ठीक है। कुरुक्षेत्र, अब कुरुक्षेत्र में राजा महाराजों का शहर था, ये एरिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, वो राजा महाराज हुआ करते थे ना उस टाइम। तो उस टाइम जब युद्ध शुरू होता था या कुछ भी शुरू होता था, तो उनका राज्याभिषेक किया जाता था, तो ड्रम बजते थे, ठीक है। कुरुक्षेत्र हो गया, वहाँ पे महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत राजा महाराजाओं का क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या हुआ था? जब भी वो राज्याभिषेक होता था, कोई प्रोग्राम होता था, वहाँ पे क्या बजते थे? ड्रम बजते थे। वेलोड्रम स्टेडियम कहाँ पर हो गया? कुरुक्षेत्र में हो गया। उसके बाद द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र। अब द्रोणाचार्य में क्या रहा है? आचार्य आ रहा है। आचार्य कौन होता है? जिसको संस्कृत की पूरी जानकारी हो, जिसने संस्कृत में PhD कर रखी हो, ठीक है, उसको आचार्य बोलते हैं। और आचार्य मतलब कि संस्कृत से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र का ऐसा मंदिर है, बिरला मंदिर, जिसमें उसके दीवारों पर क्या लिखा है? श्लोक लिखा है संस्कृत में, ठीक है। तो श्लोक बिरला मंदिर कहाँ लिखे हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य स्टेडियम हो जाएगा, ऐसे रिलेट कर लेंगे। मार्कंडेश्वर स्टेडियम शाहबाद कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेश्वर अभी स्टेडियम रखा है इस नाम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी है, ठीक है।
इसलिए शाहबाद में है ये, कुरुक्षेत्र में है, इसलिए इसका नाम मारकंडा स्टेडियम शाहबाद कुरुक्षेत्र में है ये, इसी तरह करना। बलिदान स्टेडियम चरखीदादरी, ठीक है, जो हमारी दादी होती है, दादी दीदी में क्या रहा है, दादरी में क्या रहा है, दादी जी पढ़ेंगे इसको, दादी जी, ठीक है, दादाजी या दादी जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दादी जी हमारी वो क्या करती है, हमें दान देती है, दान कोई भी मान लो आता है, ठीक है, घर मांगने पे उसको 10 रुपये दे देती थी, दान दे देती थी कोई भी आके, क्योंकि वो हमारी दादी होती है, दयालु होती है, उनको पता होता है कि चल मांगना है कोई बात नहीं, दे देते हैं 10-20 रुपये उसको खाने को, रोटी वगैरह दे देती थी, क्या दान देती है, हमारी दादी जी कितनी अच्छी है कि दान दे देती है, ठीक है। बलिदान कहाँ पे है, चरखिया देंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया जहाँ आरा बाग स्टेडियम, ठीक है, जहाँ आरा बाग स्टेडियम, अब आरा आ रहा है, आरा आपने आरा सुना होगा, जिसपे लकड़ियों काटी जाती हैं, लकड़ियों की टुकड़े करके कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आरा से मतलब कि अब जो लकड़ियां हैं, लकड़ियों काटने के बाद उन पे जो उनकी जो उनका मटेरियल था वो सड़ जाता है, तो उसको छानते मतलब कि उतारते हैं, तो झरझर करके झाड़ते हैं उसको, झाड़ते हैं ना, ऐसे कर लेंगे, झाड़ते झाड़ते से झरझर हो जाएगा, ठीक है। आरा होता है, आरा पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं और उन पे जो भूरा सा चढ़ जाता है, तो भूरे को क्या करते हैं, झाड़ते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया महावीर स्टेडियम हिसार, ठीक है। तो महावीर जी थे, जो महावीर जी महात्मा जो कि महावीर जी थे, जो जैन धर्म के थे, ठीक है, 24वें तीर्थकर, तो उन्होंने क्या किया था, अपना लाइफ का सारा हिस्सा किसमें दिया था, किसमें दिया था, मतलब कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जैन धर्म को बढ़ाने के लिए अपना सारा हिस्सा किसने दिया था, अपने लाइफ का सारा हिस्सा उन्होंने कहाँ पर दिया, जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया भगत सिंह स्टेडियम, जो कि सिरसा में है। अब भगत सिंह है, भगत सिंह को हमें क्या झुकाना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, क्या झुकाना चाहिए, हमें सिर झुकाना चाहिए, ठीक है, भगत सिंह को हमें सिर झुकाना, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए फांसी खाई है, फांसी दी गई थी उनको, हमारे देश के लिए लड़े थे ना वो, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद आ गया सहस्त्रनाम स्टेडियम, सहस्त्रनाम सतनाम कौन होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, और गुरु को हमें क्या झुकाना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, ऐसे कर लेंगे ये भी, ठीक है। उसके बाद आ गया भीम स्टेडियम, भीम भिवानी, ठीक है, भीम है वो, भीम आ रहा है, भीम है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, दोनों भीम या भी आ रहा है, तो भी सी याद कर लेंगे, भीम स्टेडियम भिवानी। करण स्टेडियम करनाल में, करण से करनाल, ऐसे याद कर लेंगे, सीधा याद हो रहा है। बंसीलाल लाली रोहतक, ठीक है, अब बंसीलाल में लाल आ रहा है, तो लाल से लाली, लाली लाल से लाली, इसमें लाल है, इसमें डबल ले आ रहा है, इसमें भी डबल ले आ रहा है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाली रोहतक में हो जाएगा। नेहरू हॉकी स्टेडियम, हॉकी खेलने के लिए हमें हॉकी कौन सिखाएगा, हमें हमारा गुरु सिखाएगा, ठीक है, हॉकी कौन सिखाएगा, हमारा गुरु सिखाएगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नेहरू हॉकी स्टेडियम गुरुग्राम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल, देवी माता होती है हमारी, ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, जैसे सरस्वती, जैसे हम जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जय माँ सरस्वती का नाम लेते हैं ना, तो जय माँ सरस्वती, देवी हमारे लिए, और देवी हमारी क्या है, गुरु भी है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम, और देवी ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, पंचकूला। अब क्रिकेट है, अब ताऊ देवीलाल क्रिकेट आ रहा है, तो अलग अलग हो ना दोनों, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, क्रिकेट जो क्रिकेट ऐसा खेल है जिसको हाथ से खेला जाता है, और उसके लिए हमें कूल नहीं बैठना पड़ता, गर्म होना पड़ता है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तभी जाके सचिन तेंदुलकर देख लो आज, ठीक है, जिनको भारत रत्न मिला है क्रिकेट के लिए, तो उन्होंने हाथ से खेला होगा, पूरे कूल होकर बैठे नहीं होंगे, अच्छे से खेले होंगे ना हाथ से, तभी आज उनका नाम है, ऐसे कर लेंगे। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकूला हो जाएगा। खरगा गोल्फ कोर्स, अब खरगा, खरगा को हम क्या पढ़ेंगे, खरगा को हम पढ़ेंगे खरगोश, खरगोश क्या खाता है, आम खाता है, ठीक है, ऐसे करेंगे। आम कब सर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अम्बाड़ा में है। खरगोश, खरगा को हम क्या पढ़ेंगे, खरगोश, और खरगोश क्या खाता है, आम खाता है सबसे ज़्यादा, तो आम सबसे ज़्यादा आम कहाँ पे होते हैं, अम्बाड़ा में होते हैं, ऐसे कर लेंगे। और सेकंड नंबर पे जो ऐसा जिला है, अम्बाड़ा ऐसा जिला है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। और पहले पे पंचकूला मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, इसलिए, और डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है, और चमन ऋषि उनसे रिलेटेड है, और वहीं पे चमनप्रास बनाया था सबसे पहले चमन ऋषि जी ने, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद DLF गोल्फ कोर्स गुरुग्राम, ठीक है, और DLF ये सीधा याद करना, DLF कंपनी आई थी यहाँ पे गुरुग्राम को बसाने के लिए, ठीक है, पहले ये दिल्ली में आए थे, और दिल्ली में सुन काल दिया गया, फिर इन्होंने कहा था कि हम गुरुग्राम को दिल्ली
जैसा बना देंगे। तो आज इसलिए गुरुग्राम और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है कि इसके कारण डीएलएफ कंपनी के कारण ऐसे कर लेंगे। एक को मैंने एक कहानी सी बता दी है ताकि याद रह जाए, और डीएलएफ गोरख तो उस काम पे हो जाएगा, गुरुग्राम में हो जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम को मिलन सिटी बोलते हैं, हम अम्बाला को साइंस सिटी बोलते हैं, पंचकूला को मोरनी की हिल के कारण यहाँ पे सारे हेडक्वार्टर भी हैं। ठीक है, और उसके बाद गुरुग्राम को मिलन सिटी हो गया, और रोहतक को साइंस सॉरी शिक्षा हब। ठीक है, करनाल को राणा का पैलेस बोलते हैं, भिवानी को मिनी क्यूबे बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे जो एचएसबीएससी का बोर्ड भी है। ठीक है, और उसके बाद सिरसा को गेहूँ की टोकरी बोलते हैं, हिसार को हिसार फिरोजा, ठीक है पुराना नाम इसका, लाजार शहीदों का शहर, चरखी दादरी, दादुर दादरी दादुर के नाम पर पड़ा, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी। ठीक है, उसके बाद पलवल, कपास सिटी, जींद, रैना का हृदय, और इसके बाद इसको दुग्ध नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे मैंने क्वेश्चन के साथ आपको याद करवा दिए हैं। धन्यवाद हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए, और सब हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।